हेलो सेकंड सॉरी सिक्स स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? ड्राइंग लेक्चर टुडे, टेक आउट योर क्रिएटिव ड्राइंग बुक एंड येलो ड्राइंग बुक आल्सो। क्रिएटिव ड्राइंग बुक, आपकी डेट डालेंगे इंडेक्स के पेज में। सॉरी, इंडेक्स के पेज में आपकी डेट डालेंगे। पिक्चर कंपोजिशन, पेज नंबर 31 आज की डेट डालेंगे आप। यहाँ पिक्चर कंपोजिशन है, पेज नंबर 3030 पर आइए। क्रिएटिव ड्राइंग बुक में पेज नंबर 3030 निकालिए। पिक्चर कॉम्पोजिशन, ऑब्जर्व डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ नेचर, ड्रॉ क्रिएटिव पिक्चर्स ऑफ टू और थ्री एलिमेंट्स ऑफ योर चॉइस इन योर आर्ट बुक एंड कंप्लीट इट विथ वाटर कलर। हम सिक्स स्टैंडर्ड में आए हैं तो वाटर कलर ही तो करते हैं, ठीक है? कलर करने के लिए वाटर कलर और आउटलाइन के लिए स्केच पेन यूज कर सकते हैं। यहाँ पर दो तरह के क्रिएटिव पिक्चर कॉम्पोजिशंस बताए हैं। देखिए, एक में कलर किया है, एक में पेंसिल शेडिंग किया है और फिर कुछ टेक्सचर्स ऐड किए हैं जरूरत के मुताबिक। एच बी पेंसिल यूज करते हैं हम स्केच बनाने के लिए। दोनों पिक्चर कॉम्पोजिशन गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, फिर कलर या पेंसिल शेडिंग, पहले में कलर का कैसे इस्तेमाल किया है, कहाँ पर कैसे कलर यूज किया है, और यह सेकंड में पेंसिल शेडिंग या कैलीग्राफिक लाइंस वगैरह जो भी है वो कैसे मतलब लगाया है वो देखिए। स्टडी द टू क्रिएटिव पिक्चर कॉम्पोजिशन गिवन देयर, गौर से देखिए। उसके बाद पेज नंबर 3131 पर आइए। पिक्चर कॉम्पोजिशन क्रिएटिव, पेज नंबर 31 यहाँ पर दिया गया है, ड्रॉ अ क्रिएटिव कॉम्पोजिशन बाय टेकिंग फॉर्म्स लाइक लोटस, स्वान, रिवर, माउंटेन, द सन, ट्री एंड फिश एंड फिल वाटर कलर्स इन इट। तो या तो आप लोटस, स्वान, रिवर, माउंटेन, द सन, ट्री एंड फिश ये वाला ड्रॉ कर सकते हैं और कलर कर सकते हैं इसमें पेज नंबर 31 में, या फिर नीचे वाला, और यू कह रहे हैं वो, और या तो फिर प्रिपेयर क्रिएटिव डिजाइन विद पेंसिल इन लाइट एंड शेड बाय टेकिंग फॉर्म्स लाइक फिश, रिवर, हिल, द सन, क्लाउड एंड ग्रास, या फिर ये। तो हमें दोनों ही बनाना है। हमें ये पेज नंबर 30 में जो दिया है दोनों ही बनाना है।
तो पेज नंबर 31 में हम ये वाला आप बनाएंगे, बराबर। यहाँ पे पेंसिल वर्क है, एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ कर लीजिए बड़ा। मैंने देखिए कितना, सॉरी, एक परफेक्ट रेक्टेंगल शेप ड्रॉ कर लीजिए। उसके अंदर फिर ड्रॉ पेंसिल, 8B पेंसिल यूज करना है ड्रॉ करने के लिए। फिर यहाँ देख देख कर, मैंने लाइट पहले स्केच बना लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर फिश है, वन टू थ्री फोर राइट, वन टू थ्री फोर, ठीक है। इस तरह से पूरा कंप्लीट कर लीजिए। देखिए बेटा, आप अभी सीखने में बच्चे हैं, थोड़ा बिल्कुल वैसा कि वैसा डिट टू सेम तो नहीं बन पाएगा, कोशिश करना है आपको, ठीक है, कोशिश करना है। और 8B पेंसिल से ड्रॉ करते हैं हम, पेंसिल को हल्की से पकड़ना, होल्डर पेंसिल लाइटली, और ज़्यादा प्रेस नहीं देना है कि डार्क बने, और लाइटली बनाना है पहले। आपको जब लगे कि नहीं परफेक्ट बन है मेरा, कुछ भी रब करने जैसा है नहीं, तब उसको डार्कन कर सकते हैं। इसके अलावा पहले से डार्क नहीं बनाना है, गंदा दिखता है ऐसा नहीं। पेंसिल कैसे बार करना है, जो कुछ भी, इसको बीच वाले स्ट्रिप को, पट्टे को देखो, इस तरह से डार्कन कर लेना है पेंसिल से, कलर वर्क नहीं है इसमें। उसके बाद पूरा ड्रॉ कर लेना, मैं थोड़ा थोड़ा ही बता पाऊंगा, अभी ज़्यादा लेंदी बन जाएगा तो वीडियो अब तक पहुँचना भी मुश्किल है, फिर आपका उतना ये भी रहना चाहिए, नेट रिचार्ज करने में तकलीफ रहेगी। ओके, फिर
इतने भी बीच वाले स्ट्राइप को पेंसिल से डार्कन कर लेना है। इसे सिर्फ पेंसिल वर्क ही है। इस पेज नंबर 31 में ये वाला ही बनाना है पेंसिल वर्क, और वो जो दूसरा ऊपर का है वो येलो ड्राइंग बुक में बनाएंगे, लेकिन ये वाला सिर्फ पेंसिल वर्क वाला वो क्रिएटिव बुक में बना रहे हैं। फिर यहाँ टेल पर कुछ इस तरह से शेडिंग बतानी है, देखिए इस डायरेक्शन में। हाँ, टेल का जिस जिस तरह से घुमाव है, मोड़ है, वैसे आपके पास अगर 2B, 4B पेंसिल्स आते हैं, अप्सरा या नटराज या जो भी है डॉम्स, वो ये शेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, वरना कोई बात नहीं, एक भी पेंसिल से ही करना चलेगा, मैं फोर्स नहीं कर सकता। ओके, और कुछ टेक्सचर है आप बना लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर ये डॉट डॉट है। जितना आगे की तरफ उतना ज्यादा दूरी पर ही डॉट्स करने। फिर यहाँ पर ये वाला नहीं, यहाँ पर नहीं है, सॉरी 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 सॉरी,
ऐसे। और इस तरह से पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। और कुछ कुछ भी जो कुछ भी बाकी है पूरा नहीं बता पा रहा हूँ, काफ़ी लेंदी बन जाएगा वीडियो। ये पेंसिल वर्क है, यहाँ पर से देखकर पहले स्केच और रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करना है, स्केच बनाना है, यही चार सारी चीज़ें ऐड करना है यहाँ पर। और फिर जब परफेक्ट बन जाए तभी डार्कन कर सकते हो और उसके अंदर फिर ये टेक्स्चर्स वगैरह भर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट ये ट्री, स्वान, सन, लोटस, फिश वगैरह, ये हम येलो ड्राइंग बुक में बनाएंगे। ये वाला कलर करने वाला हम येलो ड्राइंग बुक में बनाएंगे। लिखेंगे हम पहले इंडेक्स के पेज में डेट और टॉपिक, पिक्चर कंपोजिशन क्रिएटिव, और फिर क्रिएटिव जो आज की डेट है वो डाल दें। ओके, यहाँ पर डेट, यहाँ पर टॉपिक। आड़ी और खड़ी लाइन ड्रॉ करने के बाद इस तरह से जैसे हम राइट साइड पर ही कुछ वर्क करते हैं, आड़ी लाइन ड्रॉ करके खड़ी लाइन ड्रॉ कर यहाँ पे मार्जिन में लिखेंगे डेट आज की, और यहाँ पर पिक्चर कंपोजिशन क्रिएटिव। उसके बाद एक बड़ा सा रेक्टेंगल बनाएंगे। रेक्टेंगल बनाने के बाद हम फिर मैंने हल्के से यहाँ भी ड्रॉ करके रखा है, सन सन के लिए कोई भी 10 रुपीज़ का कॉइन ले लीजिएगा, उसको रख कर फिर राउंड शेप बना लीजिए। मेरे पास कोई ऐसी गोल चीज़ थी तो उसको रख के मैंने बना लिया। ओके, फिर ऐसा ये कुछ फ्लावर्स के पैटर्न जैसा इस तरह से बना देना। उसके बाद ये टू लाइन, फिर ये ट्री का ट्रंक, फिर यहाँ पर ट्राइंगल, जैसा भी बुक में है वैसा देख देख कर बनाओगे यहाँ पर। रखो कहाँ,
यहाँ भी ये डबल पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। फिर से बता, ड्राइंग ऐसा है जब तक कि हम खुद लेकर ना बैठे तो समझ में नहीं आएगा, दिमाग ही लगा। तुम अगर लेकर बैठो तो आगे आगे आपका हाथ भी सुधर जाएगा और फिर आपको अच्छा भी लगेगा, अरे वाह मैंने, मेरा तो ड्राइंग इम्प्रूव होते जा रहा है, सुधरते जा रहा है। ऐसा है फिर डक बना लिया मैंने। फिश,
यहाँ पर ऊपर एक ट्राइंगल आएगा इससे छोटा, और उसके ऊपर और एक छोटा ट्राइंगल आएगा। जो भी हो आप बुक में इसमें से देख देख कर ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ कर लेने के बाद बिल्कुल परफेक्ट लगे आपको कि सब कुछ आ गया, सब कुछ ऐड कर दिया, तो आप वाटर कलर लेकर कलर करोगे। जैसा कि बुक में बताया वैसा ही कलर करना है, ठीक है। यहाँ पे पिंक, ये लूज ग्रीन, ये सैफ्रन कलर, सन के अंदर ब्लू कलर किया है, आँख के अंदर नहीं ले जाना ब्लू कलर, फिर ये रेड कलर, रेड कलर के बाहर छोटे बड़े सर्कल कर देना है इस हिसाब से जैसा बताया। स्वान के अंदर येलो कलर करके, फिर स्केच पेन से ये कैलीग्राफी वर्क करना है, वो जो भी टेक्सचर्स है वो। पॉन्ड है तो पॉन्ड को ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर यूज करना। पोस्टर कलर इसके अंदर येलो ओशर कलर है, फिर ट्री के अंदर जो कुछ भी है ड्रॉ करने के बाद जहाँ पे जैसा कलर है वैसा कलर फिल कीजिएगा। जहाँ पे जैसा कलर है वहाँ पे वैसा ही कलर फिल करना। और उसके बाद आपको जो लगे कि नहीं भाई आउटलाइन लगाने से अच्छा दिखेगा, बराबर सही बात है, तो ब्लैक स्केच पेन से आउटलाइन लगा दीजिएगा हर एक चीज़ को। स्केच पेन यूज़ कर सकते हैं आउटलाइन के लिए और कुछ टेक्सचर्स के लिए, जैसे कि ये है ना रेड स्केच पेन यूज़ कर सकते। पहले स्वान को कलर कर लेना है येलो, उसके बाद रेड स्केच पेन से ये किया है इन्होंने। वैसे ये भी ये सर्कल, ओके। पोस्टर कलर ही करना है, ये वाला ड्राइंग येलो ड्राइंग बुक में बनाना है, ये वाला येलो ड्राइंग बुक में बनाना है, और ये इसी बुक में क्रिएटिव बुक में, ये क्रिएटिव बुक पेज नंबर 31 में बनाना है, सिर्फ पेंसिल वर्क है। ये वाला क्रिएटिव बुक में सामने वाले पेज 31 नंबर पेज में बनाना है, और ये येलो ड्राइंग बुक में बनाना है, इसको कलर करना है, इसे कलर करना है इसमें नहीं। चलो बाय चिल्ड्रन। लैंडिंग हो गया।